Cosa c'è? Con? Ah, altro non c'è, altro non c'è. Anche lei... Però ti chiederà di chiederà. నితలీలా ప్రవిష్టం విష్ణుపాద అష్టోత్తర శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీ సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ కమలము అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్నం. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురుపాద పద్మ నితలీలా ప్రవిష్ణం విష్ణుపాద అష్టోత్తర శ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ కి చరణ సరోజమే శ్రద్ధా उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जता जो प्रणाम. आवाज आ रही है ठीक से वहाँ? आवाज आ रही है? गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे. ब्रह्मा जी कहते हैं कतशेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान. मतलब भगवान को पाना बड़ा कठिन है. इसको शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ये भी जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं. जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं यद्यपि समाधि सुधीर भी पश्यति नतव नखाग. ब्रह्मा भी कठोर तपस्या करते हुए उनकी दर्शन की बात छोड़ दो, जिनकी चरण की नख की छटा तक जो भी वो दर्शन में ही इतने दुर्लभ. श्री कृष्ण का चरण इतने दुर्लभ है, इसलिए उनका नाम क्या बताया? क्या बताया? अजित. अजित मतलब जिनको जितना था जिनको पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जिनको पाना जितना तो बड़ा कठिन है, लेकिन ब्रह्मा जी उसको उपाय बता रहे थे. अगर एक रुचि सेवा करने में रुचि सब चीज में रुचि, लेकिन भगवान कथा में रुचि. ये पांच भक्तों को स्वामी ने ये पांच भक्ति हमको बताया. लेकिन जितने सारे भक्ति साधु संघ का मथुरा बात रसिया किसे रसिया कह रहे रसिया साधु संघ कहीं भी रहो अगर तुम्हारी साधु संघ हो जाएगी ना उम्र तो वहां से भी खींच कर ले आए. अगर यहाँ रहते हुए अगर साधु संघ मिलेगी फिर तो तुम्हारी कल्याण के लिए करने वाले मेन वस्तु है वैष्णव का. इसलिए हमारे से पृथ्वी महाराज इसलिए कहते हैं जब चतुसन इनके घर में आए तब श्री पृथ्वी महाराज स्वयं भगवान ने अभी हमें तो साधु इतने साधु संघ की महिमा क्या मिलता है क्यों साधु संघ की इतने महिमा उन्होंने क्यों बताया? विश्वनाथ कृष्ण भक्ति जन्मभूमि है साधु. इसलिए भक्ति को एक लता को साथ मिलता है, भक्ति एक लता. लेकिन ये लता होगा तब जब तुम बीज नहीं हो. अगर बीज नहीं हो लता थोड़ी हो सकता है. भक्ति को एक लता बताया, लेकिन वो लता तभी होगी जब उसका बीज हो. लेकिन वो बीज मिलेगा घर कि बीज हमें कौन देगा? या तो बीज क्या है श्रद्धा. बीज क्या है? श्रद्धा. लेकिन ये श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगी? ये श्रद्धा उत्पन्न होगी साधु संग सुकृति होनी चाहिए. वैष्णु वचन सुकृति मेन चीज है. लेकिन यहाँ पर कहते हैं साधु संग की इतने महिमा कृष्ण भक्ति. ब्रह्मा जी कहते हैं अजीत भक्ति मतलब जिनको जितना बड़ा कठिन है लेकिन भगवान भी उसका भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं. अगर उसको साधु संग मिले तो साधु संग उसको मिल जाए तो. इसलिए कल हम लोग उसको श्रवण कर रहे थे अजीत होने पर भी जीते. उसको बाद में जो श्लोक कह रहे हैं बोले श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विदुः ग्लिसन्ति जे केवल बोध लब्धये
तेषां क्लेश अवशिष्यते यथा स्थूल तुषावगादिना। यदि इस श्लोक में बता रहे हैं जो भक्ति है श्रेय सिद्धि भक्ति, भक्ति बहुत सारी क्या राम दुनिया कृष्ण इसलिए से विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इसका टीका में लिखते हैं, देखो भक्ति कितना सरल है। तो कैसे सरल है, जब प्रहलाद महाराज ने उसको पिताजी ने पूछा बताओ तुमने जो गुरुकुल में गया था पढ़ने के लिए, तेरे गुरु जी जो विद्या शिक्षा दी है उसमें जो उत्तम विद्या विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्म थी। तो प्रहलाद कहते बोले पिताजी पहले ठाकुर जी के चरण में गुरु जी के शरणागत होकर क्या करो कि जो नव विद्या जो भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सरणम, ये जो नव विद्या भक्ति को जानो। इसलिए कथा सुनो तो भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो तो ठाकुर का कीर्तन करो, स्मरण करना तो ठाकुर का स्मरण करो, पाद सेवन करना तो ठाकुर जी का, अर्चन करना तो अर्चन करो। इसलिए जो नव विद्या जो भक्ति है यदि नव विद्या करते हुए भगवत प्राप्ति एक है। श्रवण के द्वारा किसने प्राप्त किया परिकृतना, कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी, स्मरण सेवा त्यागे साध विद्रोहाये भगवान साधु पत्रम पुष्पम फलम शब्द में प्राप्त। इसलिए क्या बोलते हैं भले प्रेम स्वाद वैकुंठ जल्दी नहीं आता है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, त्वयम मतलब क्या पानी को द्वारा किसने, इसलिए कहते भगवान को पानी कहते से अद्वैत आचार्य ने गंगा पानी और उन्हें तुलसी पता, गंगा पानी और तुलसी पता दिया तो भगवान क्या कहते हैं बोले सुतिया अच्छिन्न क्षीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलम आराम। मैं तो सो रहा था क्षीर समुद्र में, लेकिन अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्ते से मेरे को और मैं इसका ऋणी को चुकाने के लिए भगवान शिव पूजन दिया, इसका ऋणी के लिए। कहते हैं जो भक्ति इतनी सरल है ये लोग क्यों ये सब भक्ति छोड़कर ये ज्ञान कर्म में क्यों भटक रहे हैं, जो भगवान भक्ति को इतने सरल बना दिया लोग ये क्यों ये छोड़ करके ये ज्ञान कर्म योग कर्म में क्यों भटकते हैं जी, इसलिए विश्वनाथ जी क्यों भटक रहे हैं। इसलिए कहते जो व्यक्ति ये भक्ति मार्ग को छोड़ करके ज्ञान चीज की जरूरत नहीं, कोई चीज की तुम्हें जरूरत नहीं, बस केवल सरल होकर के इसे कथा सुनती है भक्ति, ठाकुर का सेवा कर रहे हैं ये भक्ति, ठाकुर का आरत दर्शन करते हो ये भक्ति, ठाकुर का नाम लेते हो ये भक्ति, ये सब भक्ति है, है? इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ज्ञान कहते ज्ञान साधन करने के लिए पहले तुम्हारी इंद्रिय पहले तुम्हारे संयम को होना चाहिए, अंतर और बाहर इंद्रिय पहले सबसे पहले, तभी ज्ञान को तुम्हारी अधिकार बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे सारी इंद्रियों को पहले बाहर और संयम करो, पहले संयम करोगे तो फिर जाकर के ज्ञान तुम्हारी अधिकार, गुण की जरूरत नहीं, किसी गुण की जरूरत नहीं। राम कथा सुनाते ना जैसे चूहा किसी भक्त ने ठाकुर जी घर में दिया जलाया, वैसे कथा याद हो ना तो याद हो बोलते रहो, मैं बहुत बार कथा सुना ठीक है ना, इधर जल्दी इसलिए इसे चूहा ठाकुर के घर में कार्तिक महीना में किसने दिया जलाया, अब वो दिया धीरे धीरे बुझा दिया, दूसरे जीवन में राजकुमारी होकर के जन्म लेती और उसके हृदय में भगवान के प्रति भावना भक्ति रहती है, फिर भजन करते 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 भगवान अपना गोलोक वृंदावन में सखी पद दे देते हैं। एक चूहे को अनजान में घर कर दे तो इसी जो भक्ति है ना, हाँ भगवान किसी चीज को नहीं देखते, ये भक्ति बड़ा सरल मार्ग है,
कहीं जा रहे कथा सुन लिया, तुलसी परिक्रमा कर लिया, हरि कथा सुन लिया, था कोई सेवा करते हो। कृष्ण गीता में कहते थे शाम अब तम ही कति दुख, कहते हे अर्जुन जो मेरे को निराकार रूप से जो ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, उपासना करते हैं मेरे को, उनको क्या है तसम अव्यक्त के तसम अव्यक्तम ही गति दुख। भगवान कहते उसका परिणाम दुख है, सुख नहीं है। जो शराब पी कर पड़ा रहता है then all the teachers to say Rita the Sadhu, say the Sadhu and become Sharanagata of Sadhu and we should perform our Bhakti under them. And the way of Bhakti is the best way than Jnana, than Yoga, than Bhakti. Yeah, this is the Brahma, it is the Brahma Stuti. Like the sleepy one girl, she doing so much love to one boy, boy doing love to one girl. But if somebody is telling his name, his glory is in so much interest. Why? He is the love. Like this, you are so much doing love to Krishna, what is the bulb, what is the symptom? Symptom is the, you have so much interest to listen to this katha. You are so much interest in listening to this katha. So, telling if you are associated with sadhu, and they are Rai Ramananda telling how you can Bhakti, this is the Sukruti, you have previous life Sukruti, then this Sukruti you can put that. If you have got such a very good sadhu, complete with mind, observe to Krishna, Radha and Bhakti, if you got such a very high class of sadhu, this sadhu sangha is so important. If you are target, million, billions like in the Sukruti, you have. But he cannot give you, but this is of sadhu. The sadhu sangha is the bring to you. The sadhu sangha is the bring to you. Even if you are taking birth in Russia, the sadhu sangha bring to this Vrindavan. Yeah, so man is the sadhu sangha. So telling Krishna's one named Ajit. Ajit meaning very difficult to control to him. Anybody cannot control to him. But Brahma is telling what is the easy process? The easy process is the sadhu sangha. If you kai man, but you did not start to me, I also did not start to you. But how I am attracted to you? I am listening Harikatha from Narada. I am listening Harikatha from to Narada. This sadhu sangha is the now. I want marriage with you. Marriage with you. You kindly can message me. Okay? So this now the second sloka telling. Bhakti Marg is a very simple mark, very very simple. Without duplicate, necessary your heart is a soft heart, you know, not duplicity. Duplicity. Simple heart, if you listening Harikatha and is telling that like nine kinds of limbs of Bhakti, Ravanam, Kirtanam, Krishna, Smaranam. But if only one limbs of Bhakti, if you follow, then you can address Krishna, like Parikrishna Maharaj. He did not do anything, only listening to Harikatha. Sukhdev Goswami did not do anything, only telling Harikatha. Sri Prahlad Maharaj did not do anything, only remembering to Krishna. Lakshmi, she did not do anything, she did not give the access to Narayan lotus feet, but this way, attempt to do. So there, Krishna was telling, if four things, you know, by love, affection, if somebody gave me, not four things, only one thing, love, affection gave to me, then they can attend to, you know, my bhakti. Then I can give example like leaf, patram, puspam, alam, tvayam. This fourth thing, vidur only gave some spinach, what? Spinach. The sag. This is the elephant, he gave the flower. Flower, patram, puspam, phalam. This savari, he gave it, you know, this remnant fruit gave to Ram. And Advaita Acharya, he gave some water to Ganga water. According to Mahaprabhu, descend to here. Yeah, descend to here. So, telling Bhakti Marga is a very simple Marga. Without duplicity, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,